इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रॉयलर फार्मिंग के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप। पहले जानते हैं फार्म रिक्वायरमेंट के बारे में। 1000 बर्ड्स के लिए 1200 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट पर बर्ड 1.2 स्क्वायर फीट है। ये फार्म 1800 स्क्वायर फीट का है जिसमें 1500 बर्ड्स हैं। रूफ कूलिंग के लिए हम जनरली स्ट्रॉ, ग्रास मतलब फूस और खर का यूज करते हैं। इसके अलावा फार्म की सेट टीन एल्वेस्टेस और सीमेंट एल्वेस्टेस के भी होते हैं। फार्म में वेंटिलेशन जरूरी है गैस रिलीज होने के लिए, वैसे इसके लिए एग्जॉस्ट फैन का भी यूज करते हैं। नेचुरल लाइट और हवा के लिए वॉल की जगह नेट का यूज किया जाता है। चिक्स जनरली 5 टाइप्स में होते हैं। रूस ब्रीड जो कि लेयर कैटेगरी में आते हैं, उससे अपर AP95 जो कि अपर कैटेगरी में आ जाते हैं, कव जो कि एक मिडिल सेक्टर में आते हैं गुड कैटेगरी में, उसके बाद कव 400 जो वेटर होता है, कव 400Y जो कि एक वेस्ट कैटेगरी का ब्रीड होता है। फर्स्ट डे हम जानते हैं हैचरी टू फार्म। जब चिक्स हम हैचरी से फार्म में डालते हैं उससे पहले ब्रूडिंग की जाती है, ब्रूडिंग यानी कि तैयारी। फार्म में पॉइजन का स्प्रे किया जाता है जिसे कीटनाशक कहते हैं। लाइम यानी चूना का लेयर किया जाता है, पुताई या फिर छिड़काव भी कर सकते हैं। ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता है। क्योंकि चिक्स कॉर्डन में भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, वो एक के ऊपर एक सारे चढ़ जाते हैं और उस वजह से दबकर मर जाते हैं। इसके लिए बर्ड्स को रखने के लिए स्टील सीट का सर्कल शेप में बनाया जाता है ताकि कॉर्नर न बने। नीचे सरफेस में 2.5 से 3 इंच का उड का डस्ट यानी कुन्नी का यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस है सॉफ्टनेस, बीट का सोकिंग के लिए, इसके जो लिक्विड का ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फर्स्ट डे 24 आवर के लिए पेपर का लेयर डाला जाता है ताकि चिक्स जो छोटे बर्ड्स होते हैं खाना सीखे। उसमें चिक्स को खाने के लिए यूनिफॉर्मली फीड फैला दिया जाता है और फिर 24 आवर्स बाद उसमें फीडर लगाया जाता है जिसमें फीड होते हैं। फीडर एक सर्टेन ग्रोथ के बाद चेंज करके बड़ा सा लगाया जाता है और जब मिडिल एज के हो जाते हैं तब फीडर को स्प्रिंग की मदद से हैंग किया जाता है। वही पानी के लिए ड्रिंकर का यूज़ किया जाता है। इसमें भी डिफरेंट साइज होते हैं। 1 वीक के बाद हाइट बढ़ा दी जाती है स्टैंड की मदद से। अगर फीड की बात करूं तो 3 टाइप्स के फीड होते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। प्री स्टार्टर का डोज 100 बर्ड्स पर 50 kg है जो कि 14 डेज के अंडर खिलाने होते हैं। जब चिक्स हैचरी से आते हैं तब वो 40 to 45 ग्राम वेट होता है और 14 डेज के बाद एक वर्ड का वेट 450 to 500 ग्राम होता है। स्टार्टर का डोज 14 डेज टू 29 डेज तक 150 kg 100 वर्ड्स को खिलाए जाते हैं और तब उसका वेट 1 kg 300 ग्राम से 1 kg 400 ग्राम के आसपास हो जाता है। फिनिशर का डोज 29 डेज टू 35 डेज तक 100 kg फीड खिलाया जाता है, तब एक वर्ड का वेट अप्रोक्स 2 kg होता है। यानी कि 1 वर्ड 3 kg फीड खाने पे 2 kg का होता है। इसका हम FCR निकालते हैं यानी फीड कन्वर्जन रेशियो। 3 kg फीड डिवाइडेड 2 kg वर्ड इक्वल टू 1.5 रेशियो आता है। इसके बाद 35 टू 40 डेज में बर्ड्स तैयार हो जाते हैं, इसे मार्केट में सेल कर दिया जाता है। अब जानते हैं फर्स्ट डे बर्ड्स को पानी के साथ क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जैगरी यानी कि गुड़ के साथ बेकिंग सोडा को डिजोल्व करके दिया जाता है और 2nd to 5th डे एंटीबायोटिक नियोडेक्स फोर्ट या फिर अन्य आप मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा गार्ड और किडनी के लिए नेफ्रोटेक यूज़ किया जाता है। इसे हम अल्टरनेटिव फॉर्म में मॉर्निंग और इवनिंग के फॉर्म में देते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट के अनुसार मेनली 2 से 3 टाइम्स दिए जाते हैं और फीड जो इसकी खाने की दाना होती है इसे हम 2 टाइम में ही देते हैं, एक सुबह में और एक शाम में। मिडिल जो दोपहर का टाइम होता है इसमें हम इसे खाली रखते हैं ताकि पानी को भरपूर मात्रा में पी सके। वैक्सीनेशन पीरियड जो होता है वो 5th से 7th डेज पे होता है। वो फर्स्ट होता है F1 वैक्सीन यानी कि रानी खेत के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इसे बचने के लिए। नेक्स्ट 12 to 14 डेज में गैमरो डिजीज के लिए यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है 40 डिग्री सेल्सियस 5 डेज के लिए। उसके बाद 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज में 35 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 5 डेज
30 डिग्री सेल्सियस एंड देन नेक्स्ट 5 डेज 25 डिग्री सेल्सियस एज ए कंटिन्यू रहेगा, और बाकी के अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार टेम्परेचर रखते हैं। इसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको आर्टिकल में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स ब्रॉयलर फार्मिंग के ऊपर, जो कि मीट के पर्पज से यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो का अपडेट्स आपको मिला करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।